अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बनाना यहाँ सिखाऊंगी मटन पाई कुन्ना, और जो सिर्फ आप मटन के बड़े गोश्त से भी बना सकते हैं, गाय के भी गोश्त से बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन एक किलो मटन पाई के गोश्त के हिसाब से यहाँ दो बड़ी प्याज मैंने ले ली थी, बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था जिनको। और जो घी तेल है, आपने अगर घी में बनाएंगे यकीन करें जायका दुबाला हो जाता है। जितने भी कमर्शियल रेसिपी इस तरह के खाने होते हैं सब घी के अंदर ही बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप अपना तेल ऑयल जो भी आप खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखें ये मटन के ये चांपे भी हैं और ये बकरे के ये पाए भी हैं, नलियाँ भी हैं इसकी। तो ये सारा मिला के जो तकरीबन एक किलो गोश्त है ये, और ये चार मैंने इस तरह मटन के ये पाए ले लिए थे इसके साथ। तो ये सब मिला के एक किलो। और यहाँ पर दो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये नरम सॉफ्ट हो जाए, गोल्डन नहीं करना, डार्क गोल्डन नहीं करना। और बस अदरक लहसुन डालेंगे, उसमें पाए डाल देंगे। अदरक लहसुन मैंने यहाँ पर दो टेबलस्पून भर के डाला है क्योंकि एक किलो गोश्त है। और अदरक लहसुन और मटन को और प्याज को खूब अच्छा सा हमने भूनना है। और इसकी भुनाई हमने तब तक करनी है, अभी मज़ीद हम मसाले इसमें डालेंगे, कि ये जो प्याज है ये बिल्कुल मैश हो जाए। यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लगी थोड़ी सी और डाल दी मैंने। यहाँ डाल देंगे नमक हसबे जायका, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया था। और अब इन मसालों के साथ खूब अच्छा सा हमने इसको भूनना है। तब तक भूनना है जब तक मसालों का कच्चापन और प्याज जो है बिल्कुल मैश नहीं हो जाती, तब तक हमने भूनना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ, भूनते जाएँ। यहाँ भुनाई करने के बाद फिर आप इसकी ग्रेवी के लिए यहाँ पर डाल दें इतना पानी कि मटन आपका गल भी जाए और खूब अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो इसकी भुनाई कम से कम 10 से 15 मिनट आपको करनी है दरमियानी आंच पे। और इसको ढक दें पकने के लिए। उबाल आने से पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये आटा, 4 टेबल स्पून आटा है जिसको पानी में घोल के सारे एक साथ ही मैंने डाल दिया था। इसको करें खूब अच्छा सा मिक्स। और इसको उबाल आने के लिए फिर मैं इसको ढक दूँगी, लेकिन उबाल ना आए इस वजह से मैं जल्दी से ढक्कन हटाऊँगी ताकि इसमें जोश जो आएगा तो सारा रोगन वो बाहर निकल जाएगा झाग की तरह। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। सिर्फ मैं ढक रही हूँ इसलिए कि ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए, जैसे कि ये अब आना शुरू हो गया था और मैंने ढक्कन हटा दिया था और ये उबाल देंगे। इस तरह ये उबल के ऊपर आ जाता है और ये जो जितने झाग है ना ये सारा इसका रोगन है। तो यहाँ पर फौरन मैंने आँच को भी बिल्कुल दम वाली आँच पर कर दिया था ताकि रोगन वापस नीचे की तरफ बैठ जाए और झाग जो है ये बाहर ना निकले। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब आप देख रहे हैं झाग बिल्कुल नीचे बैठ चुके, अब ये नहीं उबलेगा इसलिए अब आप इसको ढक दें और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने दें, तब तक जब तक मटन आपके गल नहीं जाते। और जो इसकी ग्रेवी है, सालन है, वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो जाता। ये देखें बस इतना हमने ठीक रखना है क्योंकि ठंडा होते होते ये फिर मज़ीद और ठीक हो जाता है। बाकी जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो इतनी कर लें। और आखिरी जो इसको खुशबू और जायका देता है वो है ये काला ज़ीरा, जिसे हम शाह ज़ीरा भी कहते हैं। इसको हमने हाथ से रगड़ के ऊपर से इसको डाल देना और इसको ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसकी खुशबू खूब अच्छी सी रस और बस जाए। और यहाँ पर जो इसके लवाजमात हैं जो कि होते हैं हमेशा के हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू, जो पाए की नहारी की ये जान होते हैं लवाजमात। तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। यकीनन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की शॉर्टकट रेसिपी आपको मिलती रहे झटपट सी बनने वाली। और मेरे चैनल से जुड़े ही इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।